दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने सत्येंद्र जैन की उस याचिका को खारिज किया है जिसमें उनके कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले की सुनवाई को दूसरी कोर्ट में ट्रांसफर करने के फैसले को चुनौती दी गई थी। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस योगेश खन्ना की कोर्ट ने सत्येंद्र जैन की याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा, यहाँ सवाल जज की ईमानदारी का नहीं बल्कि एक पक्ष के मन में आशंका का है। दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन को दिल्ली हाईकोर्ट से ये झटका लगा है। दरअसल सत्येंद्र जैन ने याचिका दाखिल की थी और कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले की सुनवाई को दूसरी कोर्ट में ट्रांसफर करने के फैसले को चुनौती दी गई थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने जस्टिस योगेश खन्ना की कोर्ट जो थी उसने सुनवाई की है और सत्येंद्र जैन की याचिका पर फैसला सुनाते हुए ये टिप्पणी की है कि यहाँ सवाल जज की ईमानदारी का नहीं है बल्कि एक पक्ष के मन में आशंका का है। तो एक झटका इसको सत्येंद्र जैन के लिए कहा जा सकता है। दरअसल उनकी याचिका को खारिज किया गया है और उस याचिका में कथित मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में उन्होंने एक अपील की थी जिसमें उन्होंने सुनवाई को दूसरी कोर्ट में ट्रांसफ़र किए जाने का जो फैसला था उसको चैलेंज किया था उन्होंने और दूसरे कोर्ट में इसको ट्रांसफ़र करने पर वो सहमत नहीं नज़र आ रहे थे, लेकिन इसको चैलेंज किया उन्होंने और फिर से इस मामले पर सुनवाई हुई है। जस्टिस योगेश खन्ना की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई है और ये कोर्ट की टिप्पणी है कि सत्येंद्र जैन की जो याचिका थी उस पर कि सवाल जज की ईमानदारी का नहीं बल्कि एक पक्ष के मन में आशंका का है, इसलिए इस मामले में इस याचिका को खारिज करना मुनासिब होगा। इस तरह इस बयान के साथ इस याचिका को खारिज किया गया है क्योंकि दूसरी कोर्ट में ट्रांसफ़र किए जाने का मसला था और उसी को चैलेंज किया गया था, उसको चुनौती दी गई थी इस फैसले को और उस मामले पर एक बार फिर से सुनवाई हुई है। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस योगेश खन्ना की कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई की है जो सत्येंद्र जैन की तरफ से दाखिल की गई थी, चैलेंज किया गया था। दरअसल पिछली बार जो कोर्ट के सुनवाई के दौरान जो फैसला आया था उसको चैलेंज किया गया था और उस पर एक बार फिर से सुनवाई हुई तो उस पर जस्टिस योगेश खन्ना ने ये टिप्पणी की है कि सवाल जज की ईमानदारी का नहीं बल्कि एक पक्ष के मन में आशंका का है। तो बड़ी खबर, दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन को दिल्ली हाईकोर्ट से ये बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने सत्येंद्र जैन की उस याचिका को खारिज किया है जिसमें कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले की सुनवाई को दूसरी कोर्ट में ट्रांसफर करने के फैसले को चुनौती दी गई थी। जी मीडिया संवाददाता तरुण और डिटेल देंगे। तरुण, कोर्ट की टिप्पणी सख्त नजर आती है, क्या और बातें जरा विस्तार से बताइए। देखिए, कोर्ट ने माना है कि जो प्रिंसिपल बेंच ने डिसीजन लिया है, चूंकि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट भी सत्येंद्र जैन के वकीलों ने रुख किया था और उसके बाद अराउज एवेन्यू की प्रिंसिपल कोर्ट को ये विचार करने के लिए बोला गया था कि जमानत की याचिका के ऊपर किस कोर्ट के अंदर सुनवाई होगी वो प्रिंसिपल बेंच ये तय करें, और प्रिंसिपल बेंच ने सत्येंद्र जैन के वकीलों को झटका दिया था और ये मान लिया था क्योंकि ईडी को लगता था कि जो एक पर्टिकुलर बेंच के ऊपर जहां पर हेयरिंग हो रही है वो पक्षपातपूर्ण फैसला दे सकती है आशंकित तौर पर, इसी को चुनौती दी गई थी सत्येंद्र जैन के वकीलों की तरफ से। लेकिन प्रिंसिपल बेंच से भी जब राहत नहीं मिली तो हाईकोर्ट का रुख किया गया कि जो प्रिंसिपल बेंच का फैसला है वो कहीं ना कहीं न्याय पालिका को ही कटघरे में खड़ा कर रहा है, लिहाजा हाईकोर्ट ने भी सत्येंद्र जैन के वकीलों की दलील को दरकिनार किया है और प्रिंसिपल बेंच राउज एवेन्यू ने जो तय किया था कि ईडी जो अदालत के अंदर फेरबदल करना चाहती थी, जो एक मामले के अंदर सुनवाई चल रही थी उससे अलग बेंच में मामले की सुनवाई हो, ईडी की तरफ से ये दरख्वास्त जो लगाई गई थी उस पर मोहर लगा दी हाईकोर्ट ने और माना जा सकता है कि सत्येंद्र जैन की जमानत में अब और ज्यादा देरी हो सकती है। शुक्रिया आपका अपडेट के लिए।